आपका वार्ड कैसे हाल है, आपकी पोलिंग कैसे हाल है, आपको शहर की जिम्मेदारी दी, शहर कैसे हाल है? ऐसा नहीं लगता आपको कि बाहर के कार्यकर्ता नेता वोट दिए और स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिले? कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं थे तो खोटी समझी तय रणनीति के साथ इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा के यहाँ शहर की पोलिंग हार गए जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है ना नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते हैं? आपके साथ किनकी तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है, उनका खुद का वार्ड हार है। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है, शहर एक तरफा हार गए। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सफलता मिली जितनी हमें पहले राउंड से लेकर के देखी है। वो तो आप पूरा ग्रामीण का देखिए जो ट्रेंड है उसमें अपन जीते हुए हैं। तो जो शहर जो हारे हमारे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके बाद अपन जनजाली करते हैं। मैं शिवराज जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय बीडी भाई साहब से, सभी लोग, आदरणीय मलैया जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि राहुल ऐसा ना हो कि कल को चुनाव जीत जाओ और बड़ा मलेरा टाइप फिर तुम बोलोगे। हमने काम नहीं किया, हमने उनसे बोला कि भाई साहब पोलिंग बताएंगी ना, जब आपकी पोलिंग जीतेगी तो हम आपके जवाब उठाएंगे, सवाल उठा नहीं पाएंगे। तो जब आपकी पोलिंग नहीं जीती, आपका वार्ड नहीं जीता और आप इतने लंबे समय से 35 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, सवाल तो बनता है कि किसने जीता घाट किया। मैं तो खुले रूप से आरोप लगाता हूं कि मलैया परिवार की पूरी रणनीति सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी यहां से हारी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। आप इतने लंबे समय पार्टी के अंदर रहे तो आपको पार्टी ने सब कुछ दिया और आज यदि प्रत्याशी बदला हो, दमोह में मेडिकल कॉलेज आ रहा था।